गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन गुड़ियाणी। आज हम करेंगे 9th क्लास का 7th चैप्टर ट्रायंगल्स एंड इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू कौन सी है आइसोलेट ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस। कौन सा सेम बेस है हमारे पास इसका जो फिगर गिवन है उस फिगर का नेम इन्होंने नंबरिंग दे रखी 7.39। इफ एडी इज एक्सटेंड किया गया है यानी एडी पहले यहाँ पर था और फिर इसको एक्सटेंड किया है जो बीसी के में कट कर रहा है पी पॉइंट पे हमें शो करना है इसके चार पार्ट हमें शो करना है। फर्स्ट पार्ट है कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गई ट्राइंगल ए सी डी के। सेकेंड है ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट होगी ट्राइंगल ए सी पी। थर्ड है कि एपी बाइसेक्टर है एंगल ए का एज वेल किस कौन से एंगल का होगा बी का। एंड फोर्थ में हमें इसको प्रूव करना है कि एपी है वो परपेंडिकुलर है बीसी पे और बाइसेक्ट भी कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है इसका मीनिंग क्या है कि बीपी इज इक्वल टू होना चाहिए पीसी। इसका फर्स्ट पार्ट है उसको पहले हम प्रूव करते हैं जो भी गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन है ट्रायंगल एबीसी इज क्या है आइसोलेट ट्रायंगल है तो आइसोलेट ट्रायंगल है तो इसकी टू साइड क्या होंगी अपनी इक्वल होंगी। एबी इज इक्वल टू एसी इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट। आल्सो ट्रायंगल डीबीसी ये भी क्या अपनी आइसोलेट ट्रायंगल है तो यहां पर भी डी बी इज इक्वल टू डी सी यानी ये वाली और ये वाली क्या है इक्वल है। अब हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे तो अपने ट्राइंगल कौन सी लेंगे ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। वी है ए बी इसको हम नाम देंगे टू इज इक्वल टू ए सी कहां से है फ्रॉम वन से या गिवन है। बी डी इज इक्वल टू डीसी ये भी फ्रॉम टू से या गिवन है और इसमें कौन सी कॉमन है एडी इज इक्वल टू एडी ये क्या है अपनी कॉमन साइड है। तो यहां पर हम कौन सा रूल लगाएंगे इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी के। इसका फर्स्ट पार्ट तो हमें क्या कर दिया प्रूव कर दिया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में देखो कौन सी ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। अब हम इस पे काम करेंगे यहां पर कौन सा रूल लगा एस एस रूल और इस पे हम काम करेंगे तो पहले देखते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी फ्रॉम वन से एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल पी ए सी क्यों है एंगल वन जैसे ये जो एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल पी ए सी क्योंकि जो एंगल ए है ना वो बाइसेक्ट हो रहा है किसके थ्रू एडी को हमने जब एक्सटेंड किया यहां तक एडी थी अपनी तो जो ये एडी है इसको क्या कर रहा है वो बाइसेक्ट कर रहा है और इसको एक्सटेंड करके हम कहां तक लेके आए पी तक यानी जो ये लाइन है जो एंगल को क्या कर रही है बाइसेक्ट कर रही है वो भी इक्वल पार्ट में इस टाइप से क्या है ये इक्वल है तो यहां पर हम क्या लिख देंगे एक्सटेंडिंग एडी एडी को एक्सटेंड करने के पास हमारे पास ये क्या हो गया ट्राइंगल जो एंगल है वो टू पार्ट में डिवाइड हो गया वो भी इक्वल। तो सेकेंड है इसमें एपी इज इक्वल टू एपी ये क्या अपनी कॉमन साइड तो यहां पर हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी पी कौन से रूल से साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल से। यहां पर अपने टू पार्ट फिनिश हो गए। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमने टू पार्ट सोल्व किया है अब थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे
तो फ्रॉम फर्स्ट पार्ट से ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी के, तो कॉन्ग्रेंट है तो इनके जो भी साइड या एंगल बच जाते हैं वो क्या होते हैं इक्वल। तो यहाँ पर हमने एंगल लिया है एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, यानी एंगल कौन सा है बीच में है जो एंगल है वो है, तो ये किससे लिख दिया हमने सी पी डी से। हैंस जब इसको बाइसेक्ट कर रहा है यानी एंगल जो अपना बाइसेक्ट हो रहा है वो भी इक्वल पार्ट में, तो हम क्या कहेंगे एपी क्या है बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए का, ये हमने यहाँ पर कर दिया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि डी डी का भी है, तो यहाँ पर हम सेकंड पार्ट में चलेंगे। सेकंड पार्ट अपना क्या था कि ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी पी के, तो यहाँ पर देखते हैं हम जब ये कॉन्ग्रेंट है तो इनकी अदर साइड भी क्या होगी इक्वल, तो बी पी इक्वल टू क्या आ जाएगा सी पी, इक्वल टू लिख दिया किसे सी पी सी टी से। अब हम ट्राइंगल पे काम करेंगे, ट्राइंगल लेंगे हम ट्राइंगल बी डी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी। अब इसको हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे बी डी इज इक्वल टू डी सी, क्या है ये हमारे पास गिवन बी है, सेकंड अपने पास बी पी इज इक्वल टू सी पी, ये कहां से है इसको ए नाम दे देते हैं फ्रॉम ए से, अब क्या साइड कॉमन हमारी डी पी इज इक्वल टू डी पी, ये क्या अपनी कॉमन साइड है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि ट्राइंगल बी डी पी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी डी पी के। तो अब अपना एंगल कौन सा है, तो ये जो कॉन्ग्रेंट होगी तो इनके एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे, तो यहां पर लिखेंगे एंगल बी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कौन सी साइड है एपी इज बाइसेक्ट कर रही है एंगल डी को। यहां पर अपना थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। फोर्थ क्वेश्चन के लिए हम पार्ट का यूज करेंगे सेकंड पार्ट का, तो यहाँ पर ट्राइंगल अपने सेकंड पार्ट में ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी पी के, तो कॉन्ग्रेंट है जिनके बाकी भी जो एंगल साइड है वो क्या होंगे इक्वल होंगे, तो बी पी इज इक्वल टू सी पी, तो यहाँ पर क्या है किसे है सी पी टी से, तो इसका एंगल है वो भी क्या होंगे इक्वल होंगे, तो एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, ये भी बाई सी पी टी से, तो ये तो हमने सेकंड से निकाले। आप करेंगे अपने फोर्थ वाले प्लस तीन से, अपनी जो बी सी है वो क्या अपनी एक लाइन है और पी है उस पर क्या एक परपेंडिकुलर, हमें ये क्या करना है प्रूव करना है। तो यहां पर हम एंगल लेते हैं एंगल ए पी बी, ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी, ये कितना है 180 डिग्री, कौन से है लीनियर पेयर एंगल्स, वो कितने के होते हैं 180 डिग्री के। अब लिखेंगे हम एंगल ए बी पी प्लस एंगल ए बी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों एंगल ए बी पी इज इक्वल टू है एंगल ए बी पी सी के, तो टू टाइम्स ऑफ एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 90 डिग्री, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये अपना 90 डिग्री आ गया। एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी के बराबर था, तो अपना एंगल ए पी सी भी कितना हो गया 90 डिग्री, तो हमारा एंगल क्या हो गया अपने इक्वल हो गए। कितनी डिग्री हो गए 90 डिग्री के, और इस ट्रायंगल में इसमें हमारा क्या है बी पी इज इक्वल टू क्या है सी पी, तो जब अपना 90 डिग्री एंगल आ गया अपना पी, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए पी इज परपेंडिकुलर है बी सी पे और बाइसेक्ट भी कर रहा है। यहां पर हमने अपने चारों पार्ट क्या कर लिए सोल्व कर लिए, यानी थोड़ा फर्स्ट क्वेश्चन लेंदी है लेकिन वेरी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड, AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ द आइसोलेट ट्राइंगल ABC इन विच
AB is equal to AC, show that first part है कि AB bisect होगा BC का and AB bisect होगा किसका angle A का, ये हमें show करना है। तो अपनी triangle बनाते हैं, तो अपनी triangle है this ABC, AB अपनी क्या है altitude, तो ये altitude है तो angle बनाएगी ये 90 का, तो ये अपने क्या है ट्राइंगल और ये दोनों साइड क्या है इक्वल है। तो जो गिवन है उसको लिखते हैं कि एबीसी अपनी आइसोलेट ट्राइंगल है, एबी इज इक्वल टू एसी है, ये भी गिवन है, इसको हमने फर्स्ट नाम दे दिया। आल्सो एडी इज द एल्टीट्यूड है, तो एंगल क्या हो जाएंगे अपने 90 डिग्री हो जाएंगे, एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल एडीबी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इसको हमने 2 दे दिया। अब हम काम करेंगे अपने किस पे, ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, इस पे काम करेंगे। तो इसको हम पहले क्या करेंगे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हम लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है अपने पास, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये क्या है 90 डिग्री फ्रॉम 2 से AD इज इक्वल टू AD, ये क्या अपने पास कॉमन, ये कॉमन साइड होगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABC के, किससे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है आपस में तो हम क्या कह सकते हैं कि BD इज इक्वल टू हो जाएगा CD, ये तो अपनी होगी बाई CP CT से, ये तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट पे काम करते हैं, अगर सेकंड पार्ट अगर ये साइड इक्वल है तो इनके एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे, A को क्या करेंगे बाइसेक्ट करेंगे वो भी इक्वल पार्ट में। तो यहां पर हम एंगल लिखेंगे, एंगल BAD इक्वल टू है एंगल सी ए डी, ये अपना सेकंड पार्ट है। तो इस पे हम कह सकते हैं कि ए डी इज बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए, ए एंगल को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल पार्ट में। यहां पर अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन थर्ड, टू साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन क्या है अपने पास, AM of a triangle ABC के are respectively, दूसरी ट्राइंगल अपनी होगी यहां पर, यानी जो AB और BC है मीडियन है किसका, मीडियन है AM of the one triangle ABC are respectively, तो यहां पर इक्वल टू साइड PQ एंड RQR एंड मीडियन PN of किसके है अपने, जो PN है वो मीडियन किसकी है ट्राइंगल PQR की, और हमें ये टू पार्ट क्या करने हैं सोल्व करने हैं। इसके कहने का मतलब क्या है कि अपनी जो साइड दे रखी है यहां पर वो AB एंड BC है, AB एंड BC इसकी AB और BC और इस दूसरी ट्राइंगल की PQ एंड QR क्या है इक्वल है, और इनका मीडियन दे रखा है AN और दूसरी मीडियन दे रखी है PN, PN इसकी मीडियन है AM इसकी मीडियम है। तो हमें फर्स्ट जो पार्ट है उसमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल PQN, यानी पहले हम इस ट्रायंगल को क्या करेंगे इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सेकंड में क्या है कि ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR, यानी सेकंड में हमने पूरी ट्रायंगल को इस पूरी ट्रायंगल से क्या करना है कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, AB यानी AB इज इक्वल टू किसके है PQ के, BC इक्वल टू है QR के, यानी जो अपनी AB है वो PQ के इक्वल है, BC इक्वल है QR के, AM इक्वल है PN के, ये हमने राइट डाउन कर ली। अब हम लिखें कि AM मीडियन है किस ट्राइंगल का ABC का, अगर ये मीडियन है तो BC को क्या करेगा इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा,
तो बी एम इज इक्वल टू सी एम, बी एम इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी का हाफ होगा, इज इक्वल टू वन अपॉन टू बी सी। पी एन ट्राइंगल, पी एन है वो मीडियन है कौन सी ट्राइंगल का, पी क्यू आर का, तो क्यू एन इज इक्वल टू आर एन इज इक्वल टू वन बाई टू पी सॉरी क्यू आर का, यानी जो ये वाली साइड है अपनी क्यू एन इज इक्वल टू आर एन किसके बराबर होगा, इस पूरी यानी क्यू आर का हाफ होगा। अब हम अपनी दूसरी इक्वेशन में चलते हैं कि जहां पर बी सी इज इक्वल टू है क्यू आर, अब क्या करेंगे हम दोनों साइड वन बाई टू से मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई करा दी। अब देखो ये भी अपने पास पार्ट आ गया, ये वाला भी पार्ट, तो ये किसके बराबर है अपना यहां पर बीएम के बराबर है, सेकंड वाला क्यूएम के बराबर है, ये हम लिख सकते हैं इसको कौन सा नाम दे दिया हमने फोर्थ। अब हम ट्राइंगल पे काम करेंगे अपने, इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन इस पे करेंगे, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू फ्रॉम फर्स्ट या गिवन है, दूसरा क्या अपने पास बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, ये कौन कहां से फ्रॉम फोर्थ से। अब दूसरी क्या लिख सकते हैं हम ए एम इज इक्वल टू पी एन, ये कहां से फ्रॉम थर्ड से। इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रेट है ट्राइंगल पी क्यू एन के, कौन से रूल से एस एस कॉन्ग्रेंस रूल से, यहां पर अपना फर्स्ट पार्ट क्या होता है कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है यहां पर हम प्रूव करेंगे, तो सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए हमें फर्स्ट पार्ट की हेल्प लेनी है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने दिखाया था कि ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी क्यू एन के, जब ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू होगा एंगल क्यू, क्योंकि जब कॉन्ग्रेंट हो जाती है तो इनके जो भी साइड एंगल होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब हम अपने सेकंड पार्ट पे काम करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर इस पे काम करेंगे, तो अपने पास जो गिवन है वो मैंने इधर साइड में लिख दिया, वो अरेंज कर दिया था बी सी इज इक्वल टू बी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड यहां पर क्या आ जाएगा अपना, इसको बीच में लिखते हैं हम एंगल को, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, फिर लिखेंगे हम साइड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। अब हमारी ट्राइंगल क्या होगी कॉन्ग्रेंट होगी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, कौन से रूल से एस ए एस रूल से। यहां पर अपने थ्री क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन फोर्थ, बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल क्या है एल्टीट्यूड्स है ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी के, यूजिंग द यहां पर हमें यूज करना आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल, यानी आर से क्या है राइट एंगल, एस से हाइपोटेनस एंड एस से साइड वाली जो थ्योरम हमने की थी उसका यहाँ पर यूज करना हमें, और प्रूव करना है कि ए बी सी जो ट्राइंगल है अपनी वो क्या होगी आइसोलेट ट्राइंगल होगी। तो जो सॉल्यूशन स्टार्ट करें हैं जो भी गिवन हम उसको लिख लेते हैं, तो बी ई एल्टीट्यूड है कौन सी लाइन पे, पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं, तो अपनी ये ट्राइंगल बनाई हमने ए बी सी, ये बोल रहा है कि ए बी एल्टीट्यूड है, हमने बता दिया किस पे एसी पे, तो इसका जो ये एल्टीट्यूड है ये कौन सी डिग्री का बनाएगा 90 डिग्री, तो यहां पर लिखेंगे एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी इज इक्वल टू कितना होगा ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, इसको हमने क्या नाम दे दिया फर्स्ट। अब सेकंड है हमारे पास सी एफ एल्टीट्यूड है ए बी पे सी एफ ये वाली, यहां पर ये क्या है 90 डिग्री है,
ये भी कौन सा एंगल बनाएगा 90 डिग्री। तो यहां पर लिखेंगे ए ए एफ सी, ए एफ सी इज इक्वल टू बी एफ सी, बी एफ सी कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री। इसको हमने दे दिया सेकंड, और हमने बोला और क्वेश्चन में बोला गया कि जो बी ई इक्वल टू है सी एफ के, यानी दोनों एल्टीट्यूड क्या है इक्वल है, ये भी हमारे पास गिवन है। जो लिखा था वो गिवन है, वो हमने लिख दिया। अब हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीसी क्या होगी, आइसोलेट ट्रायंगल होगी। इसके लिए हम अपनी ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल हमने ली बी सी एफ, बी सी एफ ये वाली ट्रायंगल। सेकेंड ली हमने सी बी ई वाली, ये वाली ली। अब इनको क्या करेंगे हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। तो यहां पर जो गिवन है और हमें यूज करना है कौन सा, ये वाला यूज करना है। तो हम पहले क्या लगाएंगे, जो अपना एंगल गिवन है तो एंगल को लिखते हैं, एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी कितनी डिग्री का है 90 डिग्री का। दे हम इसमें कौन सी साइड कॉमन है अपने पास, बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या है अपने पास कॉमन है, और बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये क्या अपने पास फ्रॉम थर्ड से, ये क्या है इक्वल है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ए सॉरी बी सी एफ कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल सी बी ई के, कौन से रूल से, आर एच रूल से, आर एच यानी ऐसे हमने इसको क्या कर दिया कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, यानी कॉन्ग्रेंट प्रूव है तो इनके बाकी के एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं एंगल एफ बी सी इज इक्वल टू एंगल कौन सा ई सी बी, ये एंगल क्या होंगे इक्वल। तो इसके भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अपना एंगल ए पी सी इक्वल टू होगा एंगल ए सी बी, यानी जो अपने एंगल कौन से एंगल बी इज इक्वल टू आ गया एंगल सी, तो इनके अपोजिट साइड क्या होगी इक्वल होगी। तो ए बी के अपोजिट साइड कौन सी है ए सी, और यहाँ पर ए बी। तो यहां पर हम रीजन लिखेंगे एंगल अपोजिट साइड आर इक्वल, क्या हो जाएंगी साइडें इक्वल, एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, तो अब उनकी साइडें भी क्या हो जाएगी इक्वल। तो जब अपनी साइड इक्वल हो गई और अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए, तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज क्या होगी आइसोलेट ट्रायंगल होगी। और ये हमने कैसे लिख दिया बाई सी पी सी टी से, तो इनके एंगल बी है और इसका भी एंगल सी है, तो हम अपनी ट्रायंगल जो कंप्लीट ट्रायंगल है उस पर काम कर सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्रायंगल सॉरी नहीं, जब आपने ये एंगल क्या है इक्वल है, यहाँ पर एंगल बी है यहाँ पर एंगल सी है, तो अपने कंप्लीट ट्रायंगल पे काम करेंगे तो अपना एंगल बी एंड एंगल सी भी क्या होगा इक्वल होगा, तो इनके अपोजिट साइड भी क्या होंगी इक्वल होगी। यहाँ पर अपना फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन फिफ्थ, एबीसी आइसोलेट ट्रायंगल है विद एबी इक्वल टू एसी एंड ड्रॉ किया गया है यहाँ पर परपेंडिकुलर, एपी परपेंडिकुलर है बीसी पे, और शो करना है हमें एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल सी। ये हमारे पास आइसोलेट ट्रायंगल है, एपी को यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी। जो गिवन है उसको हम राइट डाउन कर लेते हैं, तो एबीसी अपने पास कौन सी है ट्रायंगल सा एंगल, यानी ट्रायंगल है आइसोलेट ट्रायंगल है, क्योंकि इसके एबी इज इक्वल टू बीसी गिवन है, नहीं एबी इज इक्वल टू एसी गिवन है, AB इज इक्वल टू एसी गिवन है, AP क्या है परपेंडिकुलर है BC पे, तो एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC क्या होगा 90 डिग्री का होगा। इसको हमने दे दिया सेकंड नाउ। अब हमें प्रूव करना है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, अपने यहाँ पर टू ट्रायंगल बन गई है, ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। क्या करेंगे हम कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे, तो AB
इज इक्वल टू एसी गिवन है फ्रॉम वन से। तो यहां पर हम दूसरा लिखेंगे क्या कि हमारे पास कौन सी है एपी इज इक्वल टू एपी, ये क्या अपने पास कॉमन साइड है। एंगल हमारे पास ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, ये क्या अपने पास 90 डिग्री फ्रॉम टू से। अब यहां पर क्या होगी अपनी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगी, ट्राइंगल ए पी ए बी पी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी पी के कौन से रूल से, एच सॉरी आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल से। यानी इसमें कौन सा एंगल आएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री में अपना राइट एंगल आर से क्या होगा राइट एंगल और एच से हाइपोटेनस और एस से साइड, ये वाली थ्योरम लगेगी अपनी 7.8। तो ये पे होगी यहाँ पर कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट होगी तो इसके बाकी के साइड और एंगल क्या होते हैं अपने इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बाई सी पी सी पी से, यही हमें क्या करना था प्रूफ। यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट और आपके लिए होमवर्क रहेगा जो भी थ्योरम है 7.7 7.8 7.9 यानी इस टाइप से अपनी जो भी थ्योरम है आगे की वो आपको खुद करनी है। जो भी मैंने थ्योरम बताई है अपनी आगे की तीन थ्योरम है वो आपको ट्राई और सेल्फ करनी यानी अंडरस्टैंडिंग करनी है, उनकी सिर्फ स्टेटमेंट यूज होगी, हमारे पास उनका प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी उनकी स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है, वो आप अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करना। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज।